अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की थी और उसका पहला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया था और सेकंड क्वेश्चन भी कुछ हमने 6 पार्ट्स जो हैं वो भी कंप्लीट कर लिए थे। आज हमने नेक्स्ट 7 पार्ट से इसको कंटिन्यू करना है। 7 पार्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट टू डिवाइड बाई एक्स माइनस टू। इसकी हमने लिमिट फाइंड आउट करनी है। हम अल्जेब्रिक मेथड से जहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट लिमिट पुट करने से 0/0 फॉर्म बन जाती है हम वो वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ भी हम देखें तो हमारे पास 0/0 फॉर्म बनती है। ऐसे क्वेश्चन जहाँ 0/0 फॉर्म बनती है वहाँ थोड़े हम अल्जेब्रिक टेक्निक्स यानी हम फॉर्मूला ओपन कर लेंगे या किसी तरह फैक्टर्स बना के कैंसिल आउट कर देंगे, उसके बाद हम लिमिट पुट करके फिर आंसर फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट 2 पुट कर दूँ तो स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 जीरो हो जाएगा या 2 माइनस 2 ये भी जीरो हो जाएगा, तो 0/0 फॉर्म बन जाती है। यहाँ पर हमें थोड़े अल्जेब्रिक मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। तो अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट टू है तो इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं, मतलब हम इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, उसी से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब नीचे हमारे पास ये दोनों टर्म्स कंबाइन हो जाएंगी। अब यहाँ पे ए स्क्वायर आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स यानी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगी और दूसरे टर्म में भी हमारे पास स्क्वायर रूट और स्क्वायर खत्म होकर एक्स माइनस टू बन जाएगी। अब ये ऊपर वाला एक्स न्यूमिनेटर वाला एक्स माइनस टू और डिनोमिनेटर वाला एक्स माइनस टू एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बाकी हमारे पास बन जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट टू। अब यहाँ पर आपने एक्स की जगह 2 पुट कर देना है, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 ये बन जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 2। यानी लिमिट डायरेक्ट हम पुट करने से हमारे पास आंसर नहीं निकलता, 0/0 या अनडिफाइंड बन जाता है या फॉर्म नहीं बनती हमारे पास, लिमिट नहीं फाइंड आउट होती। लेकिन इसी फंक्शन पे अगर हम थोड़ी सी अल्जेब्रिक मेथड्स अप्लाई कर लें, फॉर्मूलाज ओपन कर लें या फिर कुछ ना कुछ फैक्टर्स बना लें और कैंसिल आउट कर दें कुछ टर्म्स, तो हमारे पास लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। और यही मेथड हमने अप्लाई करना है इन क्वेश्चन में। अब यही एक्स प्लस फोर स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर रूट डिवाइड बाई एच, तो आपने ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर है उसी का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है और सिंप्लीफाई करके जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 7 यानी पार्ट नंबर 7 जो किया, सेम वही मेथड फॉलो करना है और आपके पास आंसर आ जाएंगे। इसी फॉर्म में आंसर आ जाएगा आपके पास 1/2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एक्स एन एक्स टू रेस पावर एन माइनस ए टू रेस पावर एन डिवाइड बाई एक्स टू रेस पावर एम माइनस ए टू रेस पावर एम। इसको हमने सॉल्व करना है। अब इसके लिए हमने ये फॉर्मूला जो हमने एक थ्योरम पढ़ा था एक्स टू रेस पावर एन माइनस ए टू रेस पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए इफ़ लिमिट एक्स अप्रोचेस ए, ये जो हमने चैप्टर इस एक्सरसाइज से पहले चैप्टर्स के टॉपिक्स जब हम पढ़े थे तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला वाली फॉर्म में थ्योरम प्रूव हुआ था कि ये हमारे पास बनता है इज इक्वल टू एन इन टू ए टू रेस पावर एन माइनस वन, ये डिफाइंड है। अगर हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है चाहे वो n के साथ हो या m के साथ हो, तो हम इसका रिजल्ट को फॉर्म में लिख सकते हैं, n a n माइनस वन या m a m टू रेस पावर m माइनस वन वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमारे पास x टू रेस पावर n डिवाइड बाई x टू रेस पावर m माइनस x टू रेस पावर a टू रेस पावर m, ये तो हमारे पास है लेकिन डिवाइड में x माइनस a नहीं है, तो हम इसके नीचे भी x माइनस a, वैसे तो अगर आप कुछ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइड करते हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, प्लस करने से माइनस और माइनस करने से प्लस करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास कोशेंट में नंबर्स हैं यानी फ्रैक्शन में नंबर्स हैं या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, जो चीज़ न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करें वही सेम न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें, जो चीज़ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें वही डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में डिवाइड करें वही अगर डिनोमिनेटर में डिवाइड करें तब भी हमारे पास बैलेंस हो जाता है। तो हम यही करेंगे, यही चीज़ x माइनस ए न्यूमिनेटर से भी डिवाइड कर देंगे और डिनोमिनेटर से, ये वैसे भी कैंसिल आउट होकर एक दूसरे को वापस से वही चीज़ बन जाती है जो हमारे पास एक्चुअली क्वेश्चन में दी हुई है। यानी हम क्वेश्चन में जो चेंज कर रहे हैं वो ऐसे ही चेंज कर रहे हैं जो हमारे जो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन ये बने उसको इफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये करने से हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया, ये जो फॉर्म है हमारे पास वो फॉर्म बन गई है। अब हमारे पास थ्योरम होता है लिमिट का एक कि अगर हमारे पास लिमिट्स क्वेश्चन वाले नंबर पे हो तो हम न्यूमिनेटर पे अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं और डिनोमिनेटर पे अलग अप्लाई कर सकते हैं। ये हमने एडिशन के लिए भी पढ़ा था कि अगर दो नंबर्स
दो फंक्शन सॉरी प्लस हो रहे हो और उनकी लिमिट हो, तो हम दोनों फंक्शन पे अलग अलग लिमिट लेके उनको प्लस कर सकते हैं, इस तरह माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में भी यही कर सकते हैं और डिवाइड में भी। अब ये दो नंबर की डिवीजन पे लिमिट अप्लाई हो रही है, तो हम अलग अलग नंबर पे लिमिट अप्लाई करके भी उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो ऊपर हम अलग लिमिट ले लेंगे और नीचे हम अलग लिमिट ले लेंगे। अब ये हमारे पास बन गई एक्स टू रेस पावर एन माइनस ए टू रेस पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए एंड एक्स अप्रोचेस ए। अब ये बन गया एन इंटू ए टू रेस पावर एन माइनस वन। यहाँ पे हम ये पुट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास सेम यही चीज़ है, बस n की जगह m है, तो हम यहाँ n को m से रिप्लेस कर देंगे, m इंटू ए एम माइनस वन। एन और m को हम कंबाइन कर लेंगे, a जो है बेस सेम हो और पावर्स, हम अगर बेस सेम हो तो हम पावर्स को कंबाइन कर सकते हैं, जो डिनोमिनेटर से ऊपर न्यूमिनेटर में आएंगे या न्यूमिनेटर से नीचे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। बस ये करेंगे कि हम जब चेंज करेंगे एक जगह एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक लेके जा रहे होंगे, तो हम साइंस को चेंज कर देंगे, जो प्लस में होता है माइनस में, माइनस को प्लस में चेंज कर देंगे। अब बेस सेम है एक ही, तो हम इसकी पावर्स को कंबाइन कर सकते हैं। अब एन माइनस वन, इस एम को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इस वन को ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस वन और प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी हमारे पास बचेगा एन माइनस एम। नेक्स्ट है इवेल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। अब हमने लिमिट्स इवेल्यूएट करनी है और हमने वो थ्योरम जो था हमारे पास साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा लिमिट अप्रोचेस जीरो, वही वाला हमने फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पर फॉर्मूला लिमिट जो है वो एक्स अप्रोचेस जीरो, और इस तरह के एग्जांपल्स भी हमने सॉल्व की थी लास्ट लेक्चर में। बल्कि एग्जाम्पल नंबर जो क्वेश्चन नंबर वन है वो एग्जाम्पल सेम वही एग्जाम्पल जो हम सॉल्व कर चुके हैं पहले, साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू वन। अब जहां हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सॉरी जो साइन है और कॉस है या टैन है, तो उसको हम ट्राई करेंगे कि हम इस फॉर्म में थोड़ा सा रिप्लेस कर दें। रिप्लेस करने के बाद यानी हम ये फॉर्म बना दें, फॉर्म जब ये बन जाएगी तो इस वाले पार्ट को हम इक्वल टू वन कह देंगे, बाकी जो हमारे पास बच जाएगा उसकी पार्ट बच जाएगा उसकी हम लिमिट लेके उनके आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ये तो हमारे पास सेम वही एग्जाम्पल है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस सेवन एक्स को हम किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट करते हैं, सेवन एक्स इज इक्वल टू टी या कोई भी नेम देते हैं उसको, फिर आप सेवन एक्स नेक्स्ट आप टी की वैल्यू निकालते हो उस पूरे फंक्शन को, आपने टी वाली फॉर्म में या किसी और फॉर्म में चेंज करना होता है, सेवन आप कॉमन निकाल लेते हो, ये साइन थीटा बाय थीटा बन जाता है इज इक्वल टू वन। ये आप लास्ट लेक्चर में आप चेक कर सकते हो, यही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट टू, लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो साइन एक्स डिग्रीज डिवाइड बाई एक्स। अब ये एक्स डिग्री है हमारे पास, नीचे तो एक्स है, साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, साइन एक्स ओवर एक्स भी वन होता है, लेकिन यहाँ पर सिंपल एक्स नहीं है बल्कि एक्स पे डिग्री है। वन डिग्री जो होता है वो हमारे पास रेडियन में पाई बाय 180 के इक्वल होता है, यानी 1 डिग्री को हम पाई बाय 180 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक्स डिग्री है तो उसका मतलब एक्स मल्टीप्लाई 1 डिग्री है, तो ये हो जाएगा एक्स इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 डिग्री से एक्स पाई डिवाइड बाय 180, तो यानी एक्स डिग्री को हम पाई एक्स डिवाइड बाय 180 वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी इसको अगर एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा एक्स पाई या पाई एक्स डिवाइड बाय 180। नीचे हमारे पास सिर्फ x है, अब हमें नीचे सेम चीज़ चाहिए जो साइन के साथ होता है, वही नीचे हमें रिप्लेस करना होता है। तो आपके पास नीचे क्या आएगा, साइन एक x तो आपके पास ऑलरेडी है, हमें क्या चाहिए पाई बाय 180 चाहिए। तो पाई बाय 180 के लिए हमने क्या करना होगा, पाई बाय 180 मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल हम नीचे अगर कर रहे हैं पाई बाय 180, वही सेम चीज़ हम ऊपर वाले स्टेप में भी कर देंगे, ये हमने नीचे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया उसी को हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास बैलेंस आउट हो जाएगा। एक दूसरे को कैंसिल भी कर रहे हैं, हमारे एक्सप्रेशन पे कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन जो हमारे पास है ये फॉर्म भी बन जाती है। अब ये पाई बाय 180 को हमने लिमिट से बाहर निकाल लिया, क्योंकि लिमिट जो है वो एक्स पर है और पाई बाय 180 में कोई एक्स नहीं है, तो उस पर लिमिट का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, तो उसको हम बाहर लिख सकते हैं, बाकी लिमिट हम इस वाले पार्ट पर ले लेंगे। अब यह साइन एक्स अप्रोचेज जीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, तो इस पूरे काम से जो है हमारे पास वन के इक्वल आ गया, तो ये हमने वन पुट कर दिया, बाकी हमारे पास बन गया पाई बाय 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो वन माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अब
इसकी हमने लिमिट फाइंड आउट करनी है, जिस तरह हम स्क्वायर रूट में रैशनलाइज करते हैं, जैसे हम कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, उसी तरह से हम ये कॉस और साइन वाले में भी कर सकते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, वन माइनस कॉस थीटा के साथ वन, जो एक तरह से कॉन्जुगेट ही समझ लें, वन प्लस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी कर लेंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हमने फॉर्मूला बना दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वन का स्क्वायर तो वन होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बी स्क्वायर है उसको हमने कॉस स्क्वायर थीटा वाली फॉर्म में लिख दिया। अब नीचे वाले जो दोनों हैं डिनोमिनेटर कंबाइन हो जाएंगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, उससे अगर हम वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकाला तो वो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल बनता है। यहाँ पर एक है, इसमें से एक साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर साइन थीटा है, नीचे वन माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर हमारे पास कोई थीटा नहीं है और थीटा पे लिमिट है, तो हम उसको अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ डिवाइड करें तो हमें नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा और उससे आंसर हमारे पास ठीक नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर हम साइन थीटा बाय थीटा वाली फॉर्म नहीं बना सकते, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे। यहाँ लिमिट पुट किया, जीरो आ गया, क्योंकि लिमिट पुट करने से हमारे पास हमें नज़र आ रहा है कि ये जीरो हो जाता है और नीचे हमारे पास आंसर आ जाता है, मतलब कोई एक फिक्स नंबर आ जाता है। इन्फिनिटी या जीरो बाय जीरो फॉर्म नहीं बनती, तो हम यहाँ पे इस लिमिट को पुट कर देंगे। साइन जीरो हमारे पास जीरो के इक्वल होता है, वन प्लस कॉस जीरो जो वन के इक्वल होता है, जीरो डिवाइड बाय नंबर तो होता है वो आंसर जीरो होता है। यहाँ पे अनडिफाइंड नहीं हो रहा, एक लिमिट हमारे पास आ रही है, तो हम लिमिट पुट करके उसका आंसर, लिमिट फंक्शन की लिमिट निकाल लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट पाई अप्रोचेस एक्स अप्रोचेस पाई साइन एक्स डिवाइड बाई पाई माइनस एक्स, एल यदि हमने फाइंड आउट करनी है, इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। एक्स की लिमिट गिवन है और हमने फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी है। अब इस पाई माइनस एक्स को हम टी के इक्वल पुट कर देते हैं, जैसे उस क्वेश्चन में हमने सेवन एक्स को टी के इक्वल पुट करना है, फर्स्ट जो पार्ट किया था इसी क्वेश्चन का। पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू टी एंड एज एक्स अप्रोचेस पाई, हम जब फंक्शन को चेंज करते हैं तो हमें लिमिट को भी चेंज करना पड़ता है। अगर हम पाई माइनस एक्स को टी के इक्वल रख रहे हैं और एक्स हमारे पास पाई को अप्रोच करें, यानी अगर हम एक्स की जगह पाई पुट करें तो टी क्या हो जाएगा, जीरो। जब एक्स पाई को अप्रोच कर रहा है तो टी उसी मतलब उस वैल्यूज पर टी जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं व्हेन एक्स अप्रोचेस पाई टी अप्रोचेस जीरो। अगर एक्स को हम पाई माइनस टी पुट कर रहे हैं तो हमारे पास जो टी, अगर एक्स पाई को अप्रोच कर रहा है तो टी जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो जब हम फंक्शन को रिप्लेस करेंगे हम लिमिट्स को भी रिप्लेस करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे एक्स की जगह पाई माइनस टी और यहाँ लिमिट की जगह हम टी अप्रोचेस जीरो, और हमारे पास नीचे डिवाइड में हमने इसको टी पाई माइनस एक्स को टी के इक्वल ले लिया था। अब यहाँ साइन अल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला बन जाता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन पाई जो होता है जीरो के इक्वल होता है, जीरो से कॉस टी मल्टीप्लाई करके जीरो होता है। कॉस पाई माइनस वन के इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ रह गया साइन टी, ये साइन टी डिवाइड बाई टी, ये बन गया साइन थीटा बाय थीटा एस थीटा अप्रोचेस जीरो। वो फॉर्म वही फॉर्म थ्योरम बन गया, बस टी वाली फॉर्म में बन गया और उसका जो आंसर होता है वो वन के इक्वल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास साइन ए एक्स डिवाइड बाय साइन बी एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो। अब साइन ए एक्स है और नीचे बी एक्स है, तो हम क्या करेंगे, साइन ए एक्स के नीचे एक्स मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, साइन बी एक्स के नीचे मल्टीप्लाई मतलब नीचे डिवाइड कर देंगे और साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बी एक्स। अब ये हमारे पास बन जाता है साइन थीटा बाय थीटा वाली फॉर्म, ये भी साइन थीटा बाय थीटा वाली फॉर्म बन जाती है। यहाँ से हम एक्स और एक्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये दोनों एक्स कैंसिल हो गए, बाकी हमारे पास बच गया ए डिवाइड बाय बी। ए डिवाइड बाय बी में कोई एक्स नहीं है तो वो कॉन्स्टेंट है, उसको हम बाहर लिख देंगे। लिमिट हम सिर्फ इन दोनों पे अप्लाई कर देंगे, साइन ए एक्स डिवाइड बाई ए एक्स और साइन बी एक्स डिवाइड बाई बी एक्स। वही डिनोमिनेटर वाला रूल, हम ऊपर वाले न्यूमिनेटर पे लिमिट अलग ले लेंगे, डिनोमिनेटर पे लिमिट अलग ले लेंगे। यहाँ बन जाएगा साइन थीटा बाय थीटा लिमिट एक्स अप्रोच जीरो, जब एक्स अप्रोच करा जीरो को तो ए एक्स भी अप्रोच करेगा जीरो को, तो थीटा जो हमारे पास यहाँ है फॉर एग्जाम्पल अब ए एक्स है, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं, कॉन्स्टेंट को हमें ऐड करने की जरूरत नहीं होती, बस वेरिएबल को हमने चेक करना होता है वो कहाँ अप्रोच कर रहा है। x अप्रोचेज जीरो, साइन ए एक्स डिवाइड बाई ए एक्स और बी एक्स डिवाइड बाई बी एक्स, इन दोनों का आंसर अलग अलग वन आएगा और वन डिवाइड बाई वन इक्वल टू वन ही होता, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a बाय बी। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेज जीरो x डिवाइड बाई टेन एक्स। अब लिमिट x अप्रोचेज जीरो x डिवाइड बाई टेन एक्स में हम टेन एक्स को रिप्लेस कर देंगे साइन x ओवर कॉस x में, क्योंकि वो इसके इक्वल होता है। अब x हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन x ये कॉस एक्स, क्योंकि ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई थ्री स्टेप्स में आ रही है, तो इस थर्ड वाले को ऊपर आके मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम,
चाहे तो आप इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहे तो उसको अलग से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक ही मतलब है। और इस एक्स को हम नीचे ला सकते हैं, तो इस एक्स को नीचे जाएगा तो वो साइन एक्स के साथ नहीं जाएगा बल्कि थर्ड स्टेप में, जो फर्स्ट होता है वो थर्ड स्टेप में जाता है, जो थर्ड स्टेप वाला होता है वो फर्स्ट स्टेप में आ सकता है। तो इसी तरह से हमने क्या किया, इस हमने यहाँ पर कॉस और एक्स को रिप्लेस कर दिया, कॉस एक्स एक्स की जगह चला जाएगा और एक्स जो है वो कॉस एक्स की जगह आ जाएगा। अब ये साइन एक्स ओवर एक्स बन गई, लिमिट न्यूमरेटर पे अलग लिमिट ले ली, डिनोमिनेटर पे अलग लिमिट ले ली। साइन एक्स ओवर एक्स हमारे पास क्या होता है, थ्योरम के अकॉर्डिंग वन के इक्वल होता है, यहाँ पे वन आ जाएगा। कॉस पे हम क्योंकि वो अप्लाई नहीं कर सकते वो थ्योरम, तो कॉस जीरो जो होता है वन के इक्वल होता है, वन डिवाइड बाई वन टोटल इक्वल टू वन, यही हमारे पास लिमिट का आंसर आ जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो, नेक्स्ट है वन माइनस कॉस टू एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। कॉस टू एक्स जो होता है वो हमारे पास डबल एंगल फॉर्मूला में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। इसको हम और दो फॉर्म्स में चेंज कर सकते हैं, यानी कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हम वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स पुट कर सकते हैं, या साइन स्क्वायर एक्स की जगह वन माइनस कॉस स्क्वायर पुट करके हम दो और इसकी फॉर्म्स निकाल सकते हैं, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन और वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। तो हमें यहाँ पे कॉस टू एक्स, क्योंकि हमने साइन वाला जो हमारे पास थ्योरम है वो साइन की फॉर्म में है, तो हम उसकी साइन वाली फॉर्म ही निकालेंगे, यानी कॉस स्क्वायर एक्स को हम वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, तो वन माइनस माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बन जाता है। अब कॉस टू एक्स नहीं चाहिए हमें, माइनस कॉस टू एक्स चाहिए, तो माइनस में ये माइनस वन हो जाएगा और ये प्लस टू बन जाएगा, माइनस वन और प्लस वन ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी जो बचेगा वो टू कॉस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना, जब साइन एक्स का स्क्वायर होता है ना होल स्क्वायर, तो वो स्क्वायर जो होता है वो साइन के ऊपर आता है, साइन स्क्वायर एक्स बनता है, साइन एक्स स्क्वायर के इक्वल नहीं होता। यानी अगर आपके पास ये साइन एक्स के ऊपर स्क्वायर है उसका मतलब आपके पास एंगल के ऊपर स्क्वायर है, और जब आपके पास होल स्क्वायर है उसके मतलब उसका मतलब क्या है, आपके पास रेशियो पर स्क्वायर है। तो ये आपने इसको कन्फ्यूज नहीं करना, अगर आपके पास होल स्क्वायर कहीं लिखा है तो उसका मतलब वो स्क्वायर यहाँ पर आएगा, और जहाँ एक्स पे स्क्वायर लिखा उसका मतलब वो एंगल का स्क्वायर है, ये आपस में इक्वल नहीं होते। ये साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स स्क्वायर ये दोनों इक्वल नहीं होते, और जो होल स्क्वायर होता है वो साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। तो हमने टू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर है, अब टू कॉन्स्टेंट था उसको बाहर लिख लिया, उस पर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होता, बाकी हमारे पास बचा साइन स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर। तो हम इसको होल फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ से साइन स्क्वायर बाहर कॉमन निकल जाएगा और ये एक्स स्क्वायर का भी आ जाएगा। अब लिमिट हमने पावर रूल में पढ़ा हुआ है कि अगर पावर किसी पावर की लिमिट है तो हम अंदर वाले फंक्शन की लिमिट लेके फिर उस पर पावर अप्लाई कर सकते हैं, तो इस लिमिट को भी हम अंदर पुट करके लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इक्वल टू वन है, फिर हम वन का स्क्वायर ले लेंगे, वो वन के इक्वल आ जाएगा, टू से मल्टीप्लाई हो गया, आंसर हमारे पास टू के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट वन माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स, इस पर भी आपको रैशनलाइज करके इसको सिंप्लीफाई करें, इसको सॉल्व भी आपने खुद से करना है, इसका आंसर है वन बाई टू। नेक्स्ट है लिमिट थीटा अप्रोचेज जीरो, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई थीटा। अब टू साइन स्क्वायर मतलब साइन थीटा टू टाइम्स है, तो एक टाइम्स हम थीटा के नीचे लिख लेंगे और एक साइन को अलग कर लेंगे, साइन थीटा बाय थीटा वाला जो है उस पर लिमिट अप्लाई, प्रोडक्ट पे भी हमारे पास यही होता है, प्रोडक्ट होता है टू फंक्शंस का और उनकी लिमिट होती है, तो हम दोनों पर अलग अलग लिमिट लेने के बाद उनके आंसर को प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो इस पर अलग लिमिट ले लेंगे, प्रोडक्ट वाले पे अलग ले लेंगे। साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू वन होता है, यहाँ पर हमने डायरेक्ट जीरो पुट किया, वन मल्टीप्लाई क्योंकि साइन जीरो पे जीरो होता है तो यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा, वन मल्टीप्लाई जीरो इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट हमारे पास है सीकेंड एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय एक्स। सीकेंड एक्स को हम वन बाय कॉस एक्स की फॉर्म में चेंज कर लेंगे, क्योंकि सीकेंड जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और जो इनवर्स होता है और जो सॉरी रेसिप्रोकल होता है, और जो जो हमारे पास कोसिकेंड होता है वो साइन का होता है। उसके बाद हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ से आ गया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो गया, और यहाँ से आपके पास साइन स्क्वायर थीटा एक्स कॉस थीटा आ गया। अब आपको साइन एक्स ओवर एक्स एक अलग सेपरेट हो सकता है, तो एक साइन एक्स ओवर एक्स हम अलग कर लेंगे और एक जो साइन था वो हम कॉस के साथ कंबाइन कर लेंगे। साइन एक्स ओवर कॉस एक्स जो होता है वो टेन के इक्वल होता है, और टेन की लिमिट मतलब टेन जीरो जीरो पे होता है, मतलब वहाँ से हमारे पास एक फिक्स नंबर आ रहा है, तो इसलिए हम साइन और कॉस को कंबाइन करके टेन लिख देंगे, क्योंकि वहाँ से हमारे पास जीरो आंसर आ जाता है। साइन एक्स ओवर एक्स जो होता है इक्वल टू वन होता है, टेन जीरो पे जीरो होता है और आंसर हमारे पास जीरो आ जाता है, और जीरो हमारे पास एक रियल नंबर है। अगर जीरो है तो उसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है, जीरो बाय जीरो फॉर्म का मतलब लिमिट एग्जिस्ट, वहाँ से लिमिट नहीं आ रही होती। अगर हमारे पास जीरो आ गया तो उसका मतलब हमारे पास लिमिट आ रही है और वो लिमिट जीरो के इक्वल है। नेक्स्ट है वन माइनस कॉस पी थीटा
वन माइनस कॉस क्यू थीटा, और थीटा अप्रोच कर रहा है जीरो को, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया वन माइनस कॉस टू थीटा वाला, वो एक्चुअली जनरल फॉर्मूला इंग्लिश से निकलता है, जो हमने यहाँ जो पढ़ा था कॉस टू थीटा। तो ये आपके पास बन गया था वन माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास अगर पी वाली फॉर्म में फॉर्मूला हो तो हम इसको ये, क्योंकि वो यहाँ पे आपके पास स्क्वेयर आ गया था ना पी वाला, यहाँ पे आपके पास टू नहीं आता, यहाँ टू होता और यहाँ आपके पास टू नहीं होता। वो टू इसलिए नहीं होता कि यहाँ पर टू मल्टीप्लाई भी हो रहा होता है और डिवाइड भी हो रहा होता है। तो ये अगर पी होगा तो पी के साथ टू डिवाइड हो रहा होगा, अगर टू है डिवाइड डिवीजन में हमारे पास टू होता है, अगर यहाँ टू है तो टू डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू वन, वो वन में लिखा हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे पी सपोज करेंगे है तो वो पी डिवाइड बाई पी एक्स डिवाइड बाई टू आएगा हमारे पास। तो इसी फॉर्म से हमारे पास ये पी और क्यू वाली फॉर्म में निकल जाती है। तो वन माइनस कॉस पी थीटा यानी टू की जगह आपके पास अब क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, टू साइन स्क्वायर, वही एक दफ़ा आपके पास वन माइनस टू साइन स्क्वायर, जो कॉस पी थीटा हो गया वन माइनस टू साइन स्क्वायर पी थीटा बाय टू आ जाएगा। तो हमने वो माइनस से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस वन और प्लस वन कैंसिल आउट हो गया ऊपर की तरह, बस वहाँ पर टू बाय टू था इसलिए साइन स्क्वायर थीटा बन गया था, यहाँ पर पी थीटा बाय टू आ जाएगा। इसी तरह कॉस क्यू थीटा का बन जाएगा, बस यहाँ बी की जगह क्यू आ जाएगा, टू टू से कैंसिल हो गया, ये वाला टू और ये वाला टू, जो एंगल में टू है वो कैंसिल नहीं हो सकते, वो एंगल के वो साइन के अंदर है, जो बाहर टू है प्रोडक्ट हो रहे हैं वो कैंसिल आउट हो सकते हैं। अब इस स्क्वायर को हमने होल स्क्वायर वाली फॉर्म में कर दिया। अभी आपने एक पढ़ा था साइन ए एक्स और नीचे था साइन बी एक्स, तो हमने ए एक्स मल्टीप्लाई भी किया था और डिवाइड भी किया था। इसी तरह ये पी थीटा बाय टू मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, क्यू थीटा बाय टू मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये थीटा बाय टू, अब यहाँ पे ये साइन के अंदर नहीं है, ये पी थीटा बाय टू बाहर है। जो चीज़ साइन कॉस या टेन के अंदर है उनका एंगल है, वो उस तरह हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, दूसरे से कैंसिल आउट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो है वो साइन या कॉस के अंदर नहीं है, तो हम थीटा बाय टू को यहाँ से भी डिवाइड कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ से भी। बाकी हमारे पास बचेगा पी बाय क्यू, और वो पी बाय क्यू हम बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है होल तो पी स्क्वायर और नीचे से क्यू स्क्वायर आएगा। तो ये पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बन गया, ये हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोच जीरो साइन थीटा बाय थीटा और कॉस थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा बाय थीटा बन गया। तो ऊपर वाला भी वन के इक्वल है, नीचे वाला भी जो है वो वन के इक्वल है, वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन और पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर आंसर आ गया। नेक्स्ट है टेन थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय साइन क्यू थीटा। तो हम क्या करेंगे, टेन थीटा को साइन ओवर कॉस वाली फॉर्म में चेंज करेंगे और फिर इसका ऊपर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने से हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे हमारे पास कॉस थीटा जो होगा वो नीचे यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो सेकंड स्टेप्स हैं दोनों के वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये जो दो स्टेप्स हैं वो कंबाइन हो सकते हैं, फर्स्ट वाला जो होता है वो थर्ड पे जा सकता है, ये सेकंड और इसको हम कंबाइन कर सकते हैं। इनको हमने कंबाइन कर लिया, इधर से भी साइन थीटा कॉमन निकलता था और इधर से भी साइन थीटा कॉमन निकलता था, उसको कॉमन निकाल के कट कर दिया। यहाँ से हमारे पास बच गया साइन थीटा जब कॉमन निकला वन माइनस कॉस थीटा, और नीचे हमारे पास थ्री की बजाय टू साइन स्क्वायर्स रह गए। अभी आगे वन माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे आपके पास साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पूरा फंक्शन जो है वो कॉस में चेंज हो जाएगा, फिर इसको हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस साइन को भी वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वाली फॉर्म में लिख दिया। वन माइनस कॉस थीटा से आपके पास क्या हो जाएगा, एक दफ़ा वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, वन माइनस कॉस थीटा और वन प्लस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी बच जाएगा कॉस थीटा और वन प्लस कॉस थीटा। कॉस नीचे अगर भी आ जाए तो, क्योंकि कॉस जीरो लिमिट हमारे पास सारी जीरो है, कॉस जीरो वन के इक्वल होता है, तो हमारे पास आंसर्स निकल सकते हैं उससे। तो यहाँ पे हम नीचे अगर सारे कॉस भी आ रहे हैं तो हम उसके आंसर निकाल सकते हैं, कॉस जीरो ये वन के इक्वल है, ये वन के इक्वल है, ये कॉस जीरो वन के इक्वल है, तो टोटल हमारे पास आ गया वन बाय टू आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस लिमिट ईच लिमिट इन द टर्म्स ऑफ ई, यानी हमने इन टर्म्स ऑफ ई फाइंड आउट करना है। ये हमने कुछ रिजल्ट्स पढ़े थे, लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी वन प्लस वन ओवर एन इज इक्वल टू ई था, और लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो वन प्लस एक्स डिवाइड टू रेज पावर वन ओवर एक्स इज इक्वल टू ई के इक्वल था। तो वही वाले हमने रिजल्ट्स यूज़ करके अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यानी अगर आपके पास ये वन जो नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास नंबर है वही आपके पास नंबर पावर में होना चाहिए। अब हमारे पास सवाल में है वन प्लस वन ओवर एन, यहाँ पे टू एन है, या तो यहाँ पे अगर n है तो आपको पावर में भी n चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को हम बाहर सेपरेट कर लेंगे, बस n ले लेंगे। तो अब लिमिट को हमने पावर रूल में पढ़ा है कि लिमिट हम
स्क्वायर मतलब किसी भी पावर के अंदर हम ले सकते हैं, तो उस लिमिट को हम अंदर ले जाएंगे, लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n टू रेज पावर n, यानी जो पूरा फंक्शन ये पूरा रिजल्ट था उसको किसके इक्वल था, e के इक्वल था, ये आ जाएगा e का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट ये आपने खुद करना है। अब यहाँ पर n है और यहाँ n बाई 2 है, अब आपको देखना है कि आप क्या कॉमन निकाल सकते हो कि आपके पास यहाँ पर भी n रह गए। वो निकालने के बाद जैसे यहाँ पे आपने 2 निकाला है, यहाँ से आपने क्या निकालना है, निकालने के बाद आपके पास जो रिजल्ट होगा वो e टू रेस पावर 1 बाई 2 आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 1 माइनस 1 ओवर n टू रेस पावर n। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस है, जो हमारे पास रिजल्ट है वो फॉर्मूला है वो हमारे पास प्लस में माइनस में नहीं है, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेंगे, 1 प्लस माइनस को अंदर ले लेंगे और माइनस को हम n के साथ ले जाएंगे, यानी हमारे पास क्या है, अब ये 1 प्लस 1 ओवर n है और n जो है वो माइनस n के इक्वल है। अब पावर में भी हमारे पास माइनस n होना चाहिए, लेकिन यहाँ पावर में हमारे पास क्या है, प्लस n है, तो हम प्लस n को लिख सकते हैं माइनस n मल्टीप्लाई माइनस 1, तो हम माइनस n इधर ले लेंगे और माइनस 1 को बाहर ले लेंगे, और ये क्या है, 1 प्लस 1 ओवर n और पावर n, यानी अगर हमारे पास n माइनस n है तो पावर भी माइनस n है, और वो किसके इक्वल होता है, e के इक्वल होता है, e टू रेस पावर माइनस 1 और 1 ओवर e की फॉर्म में चला जाए। नेक्स्ट वाला आपने 1 प्लस 1 ओवर 3n, तो आपको यहाँ पर भी पावर में भी 3 चाहिए, उसके लिए आपको कुछ मल्टीप्लाई पावर में मल्टीप्लाई या फॉर्म डिवाइड वाली फॉर्म में पावर लेनी पड़ेगी, वो आपने जब सॉल्व करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा l इज इक्वल टू e टू रेस पावर 1 बाय 3। नेक्स्ट है लिमिट n अप्रोचेस माइनस इन्फिनिटी 1 प्लस 4 ओवर n टू रेस पावर n। अब यहाँ पर आपके पास क्या, 1 ओवर 4 टू रेस पावर n, अब यहाँ 4 ओवर n है, तो ये इसका मतलब क्या है, ये 4 को हम जाके डिवाइड कर सकते हैं, आप इसको इस फॉर्म में भी देख सकते हो, अगर आपके पास n में 1 की बजाय कोई नंबर है तो जो यहाँ पर आपके पास नंबर है पावर में उसका उलट होना चाहिए। 1 ओवर n का मतलब क्या है, आपके पास 1 ओवर n का मतलब n जो है वो n बाय 4 है, ठीक है, ये अगर आपको इस फॉर्म में भी दिया हुआ है और आपको नीचे लेके जाना तो ये नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये n बाय 4 बन जाएगा, यहाँ आपके पास n जो है वो n बाय 4 है, 1 ओवर n अगर आपके पास 4 बाय n हो तो n जो होगा वो 1 n बाय 4 के इक्वल होगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 4 बाय n, तो यहाँ पावर जो होगी उसकी उलट होगी, और यहाँ सिर्फ हमारे पास n था तो हमें क्या चाहिए, डिवाइड में 4 चाहिए, 4 हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे पावर में डिवाइड भी कर देंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई वाले को बाहर निकालेंगे, अब जो यहाँ पर 1 ओवर n है और यहाँ पर जो है वो n है, अगर a डिवाइड बाई बी n है तो b डिवाइड बाई a 1 ओवर n होता है, तो ये उसी रूल के अकॉर्डिंग हमने किया और e टू रेस पावर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमने ये लिमिट x अप्रोच 0 1 प्लस x टू रेस पावर 1 ओवर x इज इक्वल टू e वाले क्वेश्चन आ गए, यहाँ पर लिमिट हमारे पास किस पे है, 0 पे, 1 प्लस 3x टू रेस पावर 2 डिवाइड बाई x, अब ये x जो है वो हमारे पास 3x है, तो डिवाइड में क्या होना चाहिए, 1 डिवाइड बाय 3x होना चाहिए, जो यहाँ पर है वही डिवाइड में इधर, यहाँ जो है वही x में यहाँ पर होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x के साथ 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी डिवाइड में अब हमारे पास 3 आ रहा है तो मल्टीप्लाई में भी 3 आएगा, मल्टीप्लाई में ऑलरेडी हमारे पास 2 था, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 बन जाएगा, तो ये 6 को हमने बाहर निकाल दिया और ये जो रिजल्ट था वो हमारे पास यहाँ से e के इक्वल आ गया, तो e टू रेस पावर 6 बन गया। सेम यही इस तरह का क्वेश्चन है, अब यहाँ 2x स्क्वायर है तो आपको पावर में भी 1 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर चाहिए, उसके लिए आपको कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा पावर में, वो आप करके e स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 1 माइनस 2h टू रेस पावर 1 ओवर h, अब ये नेगेटिव के साथ है, हमें इस नेगेटिव को अंदर कंबाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस 2h, अब यहाँ पे हमारे पास माइनस 2h, यानी x जो है वो माइनस 2h है, पावर में हमें क्या चाहिए, 1 डिवाइड बाई माइनस 2h, तो हम क्या करेंगे, 1 ओवर h है ना, तो हमारे पास 2 है और ना ही माइनस है, तो हम क्या करेंगे, माइनस 2 मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई वाला बाहर निकालेंगे, डिवाइड वाले से 1 ओवर माइनस 2h बन जाएगा, 1 प्लस x और 1 ओवर x पावर के साथ आ गया, टोटल रिजल्ट जो है वो इक्वल टू e आ जाएगा, e टू रेस पावर माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 2 में हमने जब उसको डिवाइड पॉजिटिव करने के लिए हम उसको डिवीजन में ले जाएंगे, वो इक्वल टू 1 डिवाइड बाई e स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, x डिवाइड बाई 1 प्लस x, तो हम क्या करेंगे, और पावर जो है वो x से लिमिट अप्रोच करी है इन्फिनिटी को, इसको हमने 1 प्लस 1 ओवर n वाली फॉर्म बनानी है, और वो फॉर्म बनाने के लिए पहले हमें
इस टर्म को नीचे वाले टर्म को ऊपर लेके आना पड़ेगा। जब हम इनकी जगह शिफ्ट करते हैं तो पावर जो होती है वो उसका साइन भी चेंज हो जाता है। अगर बाहर पावर पॉजिटिव थी तो वो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव थी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव थी तो ये नेगेटिव हो जाएगी। अब 1 ओवर एक्स को हमने अलग कर लिया और एक्स ओवर एक्स को अलग कर लिया, एक्स ओवर एक्स जो है वो इक्वल टू 1 आ गया। अब फॉर्म बनाने के लिए हमने 1 प्लस 1 ओवर एक्स कर लिया और पावर जो है वो माइनस एक्स के इक्वल है, तो अभी बन गया 1 प्लस 1 ओवर एन, लेकिन बाहर जो है वो माइनस एन है। माइनस एन में हम से माइनस को बाहर कर लेंगे, 1 प्लस 1 ओवर एन पावर एन, अगर एक्स एन जो है वो एक्स के इक्वल हो तो। अगर वही फॉर्म बन गई, हमने लिमिट अंदर ले ली, लिमिट अंदर लेने से हमारे पास ये टोटल जो रिजल्ट था वो इक्वल टू ई आ गया और ई की पावर माइनस वन आ गई। माइनस वन को पॉजिटिव करने के लिए नीचे हमने डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो ई टू रेस पावर वन ओवर एक्स माइनस वन डिवाइड बाई ई टू रेस पावर वन ओवर एक्स प्लस वन, एक्स जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर एक्स, इसको हम रिप्लेस कर देंगे किसी और वेरिएबल से। हम कह देते हैं वन ओवर एक्स जो है वो एच के इक्वल है एज एक्स अप्रोचेज जीरो। तो एच क्या करेगा, अगर हमारे पास एक्स की जगह जीरो को अप्रोच करे, क्योंकि यहाँ पे एक्स जीरो है, अगर एक्स की जगह जीरो रखे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। लेकिन क्योंकि एक्स जो है वो नेगेटिव नंबर है तो हमारे पास पॉजिटिव नहीं नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा। बाकी हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, एच अप्रोचेज नेगेटिव इन्फिनिटी ई टू रेस पावर एच माइनस वन डिवाइड बाई ई टू रेस पावर एच प्लस वन आ जाएगा। अब हम इन्फिनिटी पुट कर देंगे, ई टू रेस पावर माइनस इन्फिनिटी जो होता है एक थ्योरम है, अगर हम लिमिट एक्स अप्रोचेज नेगेटिव इन्फिनिटी ई टू रेस पावर एक्स, यानी एक्स की जगह अगर हम नेगेटिव इन्फिनिटी लें तो आंसर जो होता है वो जीरो हो जाता है, और अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी लें तो आंसर जो होता है वो इन्फिनिटी के इक्वल आता है। यहाँ नेगेटिव इन्फिनिटी है तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर माइनस वन है नीचे प्लस वन है, आंसर जो है वो माइनस वन के इक्वल हो जाएगा। सेम इसी तरह ये क्वेश्चन सेकेंड वाला भी है, लेकिन अब वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो के ऊपर है। अब ग्रेटर देन जीरो के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे वन ओवर एक्स है माइनस वन डिवाइड बाय वन ओवर एक्स प्लस वन। अगर हम डायरेक्ट पुट करते हैं जीरो वन ओवर एक्स की जगह जैसे पिछले क्वेश्चन में, तो वन ओवर इन्फिनिटी ये आ जाएगा आपके पास, वन डिवाइड बाई इन्फिनिटी जो होता है वो आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, और पॉजिटिव इन्फिनिटी पर ये रूल जो होता है वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है और हमारे पास लिमिट का आंसर नहीं आएगा। उसी को करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें अल्जेब्रिक कैलकुलेशन करेंगे, कॉमन निकालेंगे ई टू रेस पावर एक्स वन ओवर एक्स, जब निकालेंगे यहाँ से तो हमारे पास निकल आएगी, यहाँ पे क्योंकि वन था तो हमें पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई वाला कॉमन आ जाएगा डिवाइड वाला साथ रह जाएगा। इस तरह डिनोमिनेटर में भी हम यही करेंगे, ये ई टू रेस पावर वन ओवर एक्स ई टू रेस पावर वन ओवर एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, वन माइनस वन डिवाइड बाई ई टू रेस पावर वन ओवर एक्स और वन प्लस वन डिवाइड बाई ई टू रेस पावर माइनस एक्स। अब इस ई टू रेस पावर वन एक्स को हम ऊपर ले आएंगे तो ये बन जाएगा वन माइनस ई टू रेस पावर माइनस वन ओवर एक्स वन प्लस ई टू रेस पावर माइनस वन ओवर एक्स। अब ये आपके पास ऊपर वाला सेम क्वेश्चन बन गया, बस वहां पे क्या था, ई एक्स यहाँ था इधर था, या अब यहाँ पे माइनस के बाद चला गया, सेम वही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, एक्स को हम ले लेंगे वन ओवर एच, एच जो है वो क्योंकि अप्रोच कर रहा है जीरो को तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। यहाँ हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, एच के साथ ऑलरेडी माइनस है क्योंकि वो माइनस वन ओवर एक्स है, यहाँ आपके पास जो है वो माइनस वन ओवर एक्स है, तो जब वन ओवर एक्स को आप एच पुट करोगे तो वो माइनस एच आ जाएगा न्यूमिरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, आपके पास ये माइनस वन ओवर एक्स है और वन ओवर एक्स जब एच के इक्वल पुट करोगे तो ये माइनस एच हो जाएगा, नीचे भी आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस एच आ जाएगा। यहाँ माइनस इन्फिनिटी और नीचे भी माइनस इन्फिनिटी, अब वही थ्योरम कि अगर आपके पास ई टू रेस पावर माइनस इन्फिनिटी हो तो वो जीरो के इक्वल होता है, जैसे हमने इससे पिछले क्वेश्चन में किया था, ऊपर भी आपके पास जीरो आ जाएगा और नीचे भी आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी की वजह से जीरो आ जाएगा। यहाँ पे इन्फिनिटी है, यहाँ पे भी आपके पास जीरो आ जाएगा, टोटल रिजल्ट जो आपके पास इक्वल टू वन हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1.4 से पहले उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स है या टॉपिक्स है वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 करेंगे।